लक्ष्मीस्वसिनोम् बृहस्पतिर्दधातु नरजसावर्तमानो निवेशयन्न मृद्यमृद्यञ्च हिरन्न येन सवितारथेण देवो याति भुवनानि पश्यन्न भगवन् सूर्य नारायणाय नमः ब्राह्मणोऽस्यामुख मेरे पीछे देखिए, ये है यहाँ की जन्नत, ये है यहाँ की ब्यूटी, देखो कितना अच्छा नजारा लग रहा है। बहुत मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हम अब वेट करेंगे अगला साल कब आए हम दोबारा दर्शकों को आए। और मैं एक थैंक्स करना चाहूंगी मनोज सिन्हा जी का, जिनके इतने अच्छे अरेंजमेंट्स हैं, उन्होंने इतना अच्छा कर दिया, मतलब सब कुछ इतना अच्छा, इतना स्मूथ लाइन हुआ है कि मुझे नहीं लगता किसी भी भक्तजन को कोई कंप्लेंट होगी। बहुत अच्छा लगा, उनका तहे दिल से सलूट है और तहे दिल से उनको जय बोलने और थैंक्स। बहुत कुछ चेंज हुआ है, पहले इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, अब तो मेन जो प्रॉब्लम होती है लेडीज को टॉयलेट्स की, वो हर जगह अवेलेबल है और खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है, हर तरफ से इक्वल, बिल्कुल बहुत अच्छा सिस्टम है, किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं। और यहाँ की जो पब्लिक है, जो ये घोड़े वाले हैं या जो भी हैं दुकानदार जिन्होंने छोटे से छोटा भी स्टॉल लगाया है, वो बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। सब लोग आएँ, यात्रा करें अच्छे से, बाबा जी के दर्शन करें, विराजमान हैं वो पूरे स्वरूप में हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा है हर तरफ से, बहुत अच्छा। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, घोड़े से जाना है, ऊंची चढ़ाई है, पर भोलेनाथ ने इतना आशीर्वाद दिया कि सब अच्छे से हो गया है। यहाँ के स्टाफ मेंबर बहुत अच्छे कोऑपरेटिव है, सब चीज़ बहुत अच्छी है, पुलिस वाले आर्मी वाले सब लाइन टू लाइन फेस टू फेस हेल्प करते रहते हैं, सब चीज़ की सेवा भाव का मैसेज लेके जा रहे हैं हम। हमें कैसी सेवा करना चाहिए, कैसा क्या रहता है, वो यहाँ पे आके हमने सीखा, देखा, हमने सब चीज़ें हमने देखी कि कैसे लोगों निस्वार्थ सेवा जो बोलते हैं वो यहाँ पे हमने देखी। बहुत अच्छा लगा, जीवन धन्य हो गया, सोचा भी नहीं था वैसे दर्शन होगी, इतनी इमोशनल होगी मैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द नहीं है ये बयां करने के लिए कि मुझे कैसा। दो बार दर्शन किए हमने आरती वगैरह सब देखी, जिसके हमें उम्मीद भी नहीं थी, हमें पता भी नहीं था कि आरती भी होती है शाम को। हमने आरती देखी, दोबारा से दर्शन किए, दोबारा से प्रसाद लिया, बहुत बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। जो लोकल हैं बंदे और जो दूर दूर से आते हैं, उन्होंने भी भंडारे वगैरह का, रहने का, सब चीज़ का बहुत अच्छा कर रखा है, कोई कमी नहीं लगी, कोई भी कमी नहीं लगी हमें यहाँ पे। हम इतना सिक्योर थे जब हम जम्मू से यहाँ तक आए हैं, हमें फील ही नहीं हुआ कि हम उस जगह जा रहे हैं, क्योंकि पहले हम डरते थे कि नहीं नहीं वहाँ नहीं जाना, वहाँ ऐसा हो जाता है, मतलब समझ रहे हो ना, कि वो चीज़ हमें बहुत सही लगी। और प्लस यहाँ का स्पेशल क्या है कि हमें एक रुपया भी हमारा अब तक खाने को खर्च नहीं हुआ है, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर ये है, इतनी फैसिलिटीज़ हैं, आपको गर्म पानी चाहिए, गरीब आदमी और अमीर आदमी दोनों ही यहाँ पर इजीली आ सकते हैं।